Question number 1.7, A part is, an electrostatic field line is a continuous curve, that is, a field line cannot have sudden break. Why not? B part, explain why two field lines never cross each other at any point. 7th question ke A part mein yah pucha gaya hai ki electrostatic field line continuous curve hoti hain, matlab continuous lines hoti hain, means ki yah lines beech mein sudden break nahi leti. Aisa kyon hota hai? To hum dekhenge kyunki actually mein electric lines ya electrostatic field line yah force ki direction ko batati hain. यह शो करती है कि कोई चार्ज फोर्स किस डायरेक्शन में फील कर रहा है. तो हम इसका सॉल्यूशन देखें. बिकॉज ए चार्ज एक्सपीरियंसेस ए कंटिन्यूअस फोर्स, क्योंकि एक चार्ज कंटिन्यूअस फोर्स फील करता है. चार्ज कभी ऐसा नहीं होता कि एक पॉइंट से गायब होकर दूसरे पॉइंट पे ऑटोमेटिक आ जाए. यदि किसी चार्ज पे फोर्स लगता है तो लगातार ही वो कंटिन्यूअसली फॉलो होता है. बिकॉज अ चार्ज एक्सपीरियंस अ कंटिन्यूअस फोर्स, क्योंकि एक चार्ज कंटिन्यूअस फोर्स फॉलो करता है. इसीलिए व्हेन ट्रेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जब भी उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में देखते हैं. सो इसीलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस इज अ कंटिन्यूअस कर्व. इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूअस कर्व होती है. बी पार्ट में पूछा गया है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन्स आपस में कभी इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती. तो हम लिखेंगे बिकॉज अगर दो इंटरसेक्ट दो फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस करेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वैक्टर क्वांटिटी है. किसी पॉइंट के ऊपर एक वैक्टर की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती. इसीलिए हैंस टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर. Thank you very much.